में साउंड बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल जैसे सर्कस में नहीं हो रहा होता। पढ़ाएं कम सिखाएं ज़्यादा। आज हम जो साइंस एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्रीमिंग बलून। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, साउंड के बारे में सीखेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में सीखेंगे, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे। इसके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसमें नंबर वन रिक्वायर्ड बलून एंड नंबर टू इज रिक्वायर्ड थिंग्स हेग्स नट। मैं इस हेग्स नट को इस बलून के अंदर डालूंगा और डालने के बाद ब्लो करूंगा। ब्लो करना है, इनहेल नहीं करना। अब मैं इस बलून को ऊपर से ऐसे ग्रिप करूंगा और इसको स्पिन करूंगा या शेक करूंगा। इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इन एक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट मूव द हेग्स नट इन इट्स सर्कुलर पाथ। द हेग्स नट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। क्यों स्टॉप होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। इस सिंपल एक्टिविटी में, इस सिंपल एक्टिविटी में, बलून और हेग्स नट में हमने साइंस के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखा है। इसमें हम वाइब्रेशन को फील भी कर सकते हैं। स्कूल में जैसे आप स्कूल में वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करके वाइब्रेशन को फील भी कर सकते हैं। अब मैंने इस बलून के अंदर 3 हेग्स नट्स डाले हैं। अब चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है। आपने देखा कि इसमें साउंड बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल जैसे सर्कस में नहीं हो रहा होता। इस एक्टिविटी में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मोशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन अंडर द फोर्स एक्ट अपॉन इट के बारे में सीखा। आई होप यू लाइक दिस एक्टिविटी। इल्म को लिखकर कैद कर लें।